विधानसभा चुनावों के दौरान राज्य सरकार द्वारा दावा किया गया था कि राज्य में नशे के सुदागरों की कमर तोड़कर राज्य के नौजवानों को नशा मुक्त करवाया जाएगा, जिसके लिए नशा छुड़ाओ केंद्रों का सहारा भी लिया जा रहा था ताकि नौजवानों को नशे की लत से मुक्त करवाने के लिए उनका यहां उपचार किया जा सके। लेकिन जिला पठानकोट में बीती रात पुलिस की नाकामी की वजह से 5 नौजवान नशा छुड़ाओ केंद्र से भागने में सफल रहे, जिसे लेकर पुलिस द्वारा उन्हें पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीती रात इन 5 नौजवानों ने पुलिस के साथ हाथापाई की और वहां से भाग गए। इस संबंधी जब अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कल शाम को नशा छुड़ाओ केंद्र से 5 मरीज पुलिस वालों के साथ झगड़ा कर भाग गए थे, जिनके परिवार वालों से उनकी बात हुई है और उनमें से 4 मरीजों के परिवार वालों ने कहा है कि वह अपने मरीज को वापस छोड़ जाएंगे, बाकी जो भी बनती कार्रवाई होगी वह की जाएगी। कल शाम की गल हैगी है कि जिहड़े साडे को 5 बंदे दाखिल सी ते उन्हां ने जिहड़े उत्थे सिक्योरिटी गार्ड हैगा सी ओह इक जिहड़ा किते गया होणा वाशरूम दे विच ते दूसरे बंदे ते ओह उन्हां ने उहनूं धक्का-मुक्की करके ते ओह उत्थों दौड़ गए। पर उस तो बाद असीं नाल ही चौंकी विच उन्हां नूं इनफॉर्म असीं कर दित्ता सी ते ओह 5 जां 4 बंदे तां राती उन्हां दे नाल पेरेंट्स नाल गल हो गई सी। पेरेंट्स ने कहा कि असं सवेरे इन्हों लै आवेंगे, फिर असी पुलिस में इनफॉर्म करता सी, SHO साहब ने भी मैं गल कर ली सी, बाकी कार्रवाई हूँ तो बाकी हूँ। मैं अच्छ सवेरे सारे उन्होंने बुलाया कि जो भी इंसीडेंस होया रिटर्न देन, उस तो बाद असं जो कार्रवाई बनती वो पकड़ा। पठानकोट तो कैमरामैन अभिषेक भारद्वाज के नाल अजय सैनी की रिपोर्ट।